सामोद थाना क्षेत्र के चितवाड़ी कस्बे स्थित ज्वेलर्स की दुकान को रविवार देर रात चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। हालांकि दुकान में लगे सेंसर सायरन बजने की वजह से आनन फानन में चोर मौके से भागने में कामयाब हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सामोद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर मौका मुआयना किया, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। नेहा ज्वेलर्स दुकान संचालक राकेश प्रजापति ने बताया कि देर रात को एक बोलेरो कार में सवार होकर 3-4 लोग आए और दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखे चांदी के सामान, जिनमें चांदी की बिछिया, चांदी की अंगूठी सहित करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। घर से कुछ दूरी पर ही दुकान है और दुकान में लगे सायरन बजने के बाद दुकान पर पहुंचे तब तक चोर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर भागने में कामयाब हो गए थे। सामोद थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि चितवाड़ी स्थित ज्वेलर्स की दुकान में शटर तोड़कर चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुकान में लगे सायरन बजने की वजह से चोर मौके से फरार हो गए। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।